किस तरीके की कम्युनिस्टों की मानसिकता है। आज करवा चौथ का दिन है, आज सारी बहनें अपने पतियों के लिए और बच्चों के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन केरल की भूमि पर जिस तरीके की नृशंस हत्याएं हुई है उन सब बहनों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, विमला का नाम याद दिलाना चाहती हूँ जिसकी हत्या की गई पिछले वर्ष, और उसके बच्चे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 से अधिक घर पिछले एक साल के अंदर लोगों के जलाए हैं, ये वही लोग हैं जो पानी को खराब करने के लिए कुएं के अंदर कटे हुए बाल फेंक देते हैं ताकि उस गांव के लोग पानी ना इस्तेमाल कर सके। राजेश जैसे लोग अपने घर वापस नहीं जा सकते पिछले 12 से 15 साल में, और राहुल जैसा 8 वर्ष का बच्चा जिसके पिता घर पर नहीं होते तो उसकी बाजू काट दी जाती है। इस तरीके का नृशंस हत्याकांड और इस तरीके की नृशंस वामपंथी राजनीति का खुलासा करने की जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता अमित भाई ने अपने सिर पर लिया है। मैं अमित भाई को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ कि ये विषय जो सालों से किसी ने उठाया नहीं आज पूरे देश के सामने आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।